बात करते हैं शिवपुरी की, जहां बैराड नगर परिषद में एक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए भाजपा के पोहरी विधायक एवं राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को लगभग धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर कांग्रेस का प्रत्याशी पार्षद बन गया तो उसे बाहर बैठा दूंगा और विकास के नाम पर वो वार्ड में किच यानी एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा तक नहीं लगा पाएगा। जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा बैराड़ नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 8 की भाजपा प्रत्याशी सेवा तुलाराम यादव के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वहीं कार्यालय के उद्घाटन के दौरान वहां भाजपा के कार्यकर्ता और मतदाता भी मौजूद थे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कान खोल कर सुन लो, जो वार्ड हारेगी वहां जब तक मैं रहूंगा किच तक नहीं रखी होगी। अगर कोई माई का लाल किच भी रखवा दे तो मुझे सुरेश मत कहना। उनका कहना था कि कांग्रेस का पार्षद आएगा तो ऐसे बैठाऊंगा जैसे हत्यारा बैठा हो और इसीलिए प्रण करके जाइए कि एक एक पार्षद को गारंटी के साथ जिता कर लाइए। फिर केंद्र में सरकार तुम्हारी, प्रदेश में सरकार तुम्हारी और बैराड़ में सरकार तुम्हारी है। इस पूरे मामले में मंत्री सुरेश राठखेड़ा का पक्ष जानने के लिए उन्हें फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। उधर वीडियो वायरल होते ही कांग्रेसियों ने मंत्री पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पोहरी जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेसी से सरपंच पद पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी रामबाबू तोमर ने पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के भाई मस्तराम धाकड़ पर आरोप लगाए हैं कि मस्तराम सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद चुनाव प्रसार में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पंचायत सचिव मस्तराम के भाई रामदयाल धाकड़ बेसी पंचायत से सरपंच पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। मस्तराम उपसिल ग्राम पंचायत से सचिव है। वो सरपंच सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है और इसलिए उसने वहां एक आदिवासी को चुनाव लड़वाया है, उसका भी खुलकर प्रचार प्रसार कर रहा है। राम बाबू ने मामले की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक को दर्ज कराई है। बतौर साक्ष्य के लिए उन्होंने कुछ फोटो और वीडियोस भी पुलिस को सौंपे हैं। ग्राम पंचायत वेसी में तो मस्तराम से कुछ ग्रामीणों ने खुलकर इस मुद्दे पर बहस भी की है कि वो आखिर प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ क्यों आ रहे हैं, जिस पर मस्तराम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका चुनाव के प्रचार प्रसार से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। जब तक मेरा मर्जी यानी कोई चिंचमाई मेरा दला दे तो मुझे सुरेश मत कहना। पार्षद आया मैं ऐसे बैठा लू तो हत्यारा बैठा हो क्या कह रहा हूँ। इसलिए जाइए और एक एक पार्षद को जनता की आत्मा जो बच्चे उसने बड़ा करा केंद्र सरकार तुम्हारी, प्रदेश में सरकार तुम्हारी और बैराड़ में सरकार तुम्हारी।